जी एस हर्बल होलसेल सेल आयुर्वेदिक अद्वियात काबिल एतमाद मर्कज तजारत के खाशमंदरत को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं हमारे साथ तजारत करके भरपूर पैसा कमाएँ ओल करफाज डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खसूस रियायात तफसीत के लिए अभी रें क्या, है, क्या बताओ उसकी आंखों का नूर तो देखो उसकी आ जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है क्या बताओ दिल, दिल में, में अब को मोहम्मद है या मदीना है या मोहम्मद है या मदीना है क्या बताओ दिल फिदा पे, पे दिल मु मेरा मदीना है दिल मु मेरा मदीना है क्या बताओ के क्या मदीना है क्या बताओ क्या बताओ पहुंचू दर सरकार पे सोचा ही नहीं है पहुंचो दर सरकार पे चाह तो यही है आगे मेरी तकदीर है तमन्ना तो यही है आगे मेरी तकदीर है तमन्ना तो यही है आऊँगा वापस मैं नहीं आऊंगा सोचा तो यही है पहुंचो दर सरकार पे चाह तो यही है खास नजारा तो यही है आँखों के लिए खास नजारा तो यही है पहुँचो दर सर कार पे चाह तो यही है यादन किरद में जमाल कन में यादुनि कीर में जमाल میں में नामु پر पर अच्छा तो यही है पहुंचो दर सर कार पे चाह तो यही है एक खास महेक नी लगी हवा में एक खास आज हवा में आसार बताते हैं आसार बताते हैं मदीना तो यही है आसार बताते हैं दीना तो यही है पहुँचो दर सरकार पे चाह तो यही है पहुँचो दर सरकार पे चाह तो यही है हाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा ये एक रोज़ा ख़म नबूत वर्कशॉप तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप वर्क वर्क उसकी ये दूसरी नशस्त है जो इमारत शरिया मराठवाड़ा के मातहती में मनद होने जा रहा है पहली नशिस्त हो गई जिसमें हमने दो अनवानों पर तफसीली गफ्तु सुनी जिसके लिए खसूस मेहमान हमारे मौलाना हजरत मौलाना अरशद अली साहब कासमी दामद बरकत हम जो सेक्रेटरी हैं खत् नबूत मजलिस के हैदराबाद से तो उनका था मुनकरन खत्म नबूत मुसलमान क्यों नहीं इसी तरह दूसरा जो मौजू था फितने गौहर शाही के गुमराह को नज़रियात इसके थे हज़रत मौलाना अनसार कासमी ये रुकन है तहफ़ ख़म नबूत मजलिस हैदराबाद के तो हाजरन अब हमारा अगला जोवान है उसके नए मकर्र हज़रत मौलाना वचुअद्दीन कासमी साहब ये भी कारकुन है मजलिस तहफ़ ख़त्म हैदराबाद और तेलंगाना से इनके हैंत्यामत थे, थे, और फितिन शकील बिन हनीफ़ इसी तरह और एक वान होगा ूर महदी व शकील बिन हनीफ़ की हकीकत और आखिरी हमारा नवान होगा इंजीनियर अली मिर्ज़ा और जावेद अहमद गामदी के गुमराह कुल नज़रियात इसके मकर्रर होंगे मुफ्ती अब्दुल अब्दुल्कवी उमर हुसामी तो नाजरीन अब हम इस नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं और याद रहे ये हमारी दूसरी नशिस्त है और इसकी सदारत फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना अब्दुल अब्दुलशक्कूर साहब जामाई महतम इदारा दावतुल हक औरंगाबाद तो मैं हजरत से गुज़ारिश करता हूँ कि इफ्ताही कलिमात से इस मजलिस के अगराज़ मकासद पर रोशनी डालें तब तक कि हमारे मेहमान कराम भी तशरीफ ले आएंगे याद रखें ये कोई जलसा और कोई वो नहीं है रस्मी नहीं है ये एक दरसगाह है दरसगा नबूत के तालक से आप लोगों को बताया जाएगा क्या चीज़ है ये ट्रेनिंग और तरबियत कैंप है ना कोई जलसा न कोई रस्म न कोई इस्लाह माशरा का और जितने भी रस्म रिवाज हैं वो उसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है <laughs> वो शहरे मोहब जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब जहाँ फा है वही घर बनाने को जी चाहता है वो सोने से कंकर कर वो चांदी माटी नजर में बसाने को जी, जी चाहता, चाहता है।, है सितारों से है। ये चांद कहता है।, है दम, दम। तुम्हें क्या बताओ वो टुकड़ों काम सितारों से ये चांद कहता चारिकता तुम्हें क्या बताओ टुकड़ों का आलम इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है जिहादे मह से अपनी जिहादे मोहब्बत की आवाज गी कहाँ हल ने दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जा में शहादत <painting�> -huh <Norwegian> लबों से लगाने को जी चाहता है इजाजत अगर दो तो जा शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है और शेर खसूस तमाम फरमाए 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 जो पूछा नबी ने, ने के, के कुछ घर भी छोड़ा तो सीधी के अकबर के होटो पे आया जो पूछा नबी के कुछ घर पिछोड़ा तीबर के फोटो तो पे आया वहां माल दौला कि क्या हैसियत कि है, है।, है। जहां जा लुटाने को जी, तो जी चाहता जी है।, है वो शहरे महोब जहां मुस्तफा है, है। वहीं वही घर बनाने जी चाहता है वो सोने, वो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है हजरत की फरमाइश पर फर 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 ये बगौर समाज फरमाए मुकर पढ़ने की हजरत की ख़्वाहिश है मोहन अब्दुल शकूर साहब मोहन अब्दुलर जी हाद की आवाजी कहा गल -दे से अपनी जिहाद मवा की आवाज गल ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जावे मैं लबों लबो से लगा को जी चाहता है इजाजत अगर दो तो जा मैं लबों लबो से लगा जी चाहता है मेरे, मेरे आकार में दीन में क्या क्या देखा मेरे आ गमे ग दीन में क्या क्या देखा कभी ताइफ की मशक्कत कभी फाका देखा मेरे आकान में में क्या, क्या, क्या देखा कभी ताइफ की मशक्कत कभी फाका देखा आ ज की घड़ी दिल पे क्या गुजरी, गुजरी होगी आ की घड़ी दिल, दिल पे क्या गुजरी होगी अपनी, अपनी पुराश निगाहों से जो काबा देखा दे अपनी पुराश निगाहों से जो काबा देखा कभी ताइफ की मशक्कत कभी फाका देखा मेरे आकाल दीन में क्या क्या देखा कितना सदमा कितना सदमा दिल आकान पान होगा जब कितना सदमा दिल आकान पान होगा जब दम ने में टुकड़े हुए हमजा देखा दम ने में टुकड़े हुए हमजा देखा कितना सदमा दिल आ पान होगा जब कितना सदमा दिल आ पान होगा जब दम ने टुकड़े हुए हमजा देखा मेरे आकान ग दीन में क्या क्या देखा कभी ताइफ की मशकत कभी फाका देखा मेरे आकान ग दीन में क्या क्या देखा कभी ताइफ की मशकत कभी फाका देखा ورفعنا لك, ورفعنا, لك ورفعنا لك ذكراك ورفعنا لك ذكراك ورفعنا لك ذكراك هي فرمان خدا आलम में धमक है ये फरमान खुदा जिसकी है आलम में धमक ये वो आयत है ये वो ये। जो पढ़ते सभी मलक वरफाना लक दिक ररफाना लक दिक ररफाना लक दिक मेरी मैयत को को न तुम बाग चमन में रखना मेरी मैयत को न तुम बाग चमन में रखना खाके तय बाही फकत मेरे कफन में रखना तय बाही फकत मेरे कफन में रखना तक मिलती रहे तक मिलती रहे जन्नत में बीते बाकी मह मह वरफाना लक दिखोरा वरफाना लक दिख ररफाना लक दिखोरा के कहते थे को बिलाल तेरे टुकड़ों पे पले गैर कर पे न डाल तेरे टुकड़ों पे पले गैर किंठों कर पे न डाल क्यों ना क्यों क्यों ना गुन गाऊं तेरी खादा हूं जब तेरा नमक वरफाना लख जिक्र वरफाना लख जिक्र जजाक अल्लाह खैराहसन माशाल्लाह सुबह ऐलान किया गया था कि फोन अपने दोस्त आबाब को करके बुलाएं तो लगता है कि आपने फ़ोन किया है और आपके साथ ही अभी रास्ते में होंगे और अगर फ़ोन नहीं किया है तो जैसे ढाबे पर खाने के लिए और किसी दावत के लिए जंगल में जाते वक्त हम अहतमाम के साथ दोस्त को बुलाते हैं अगर वैसा नहीं बुलाया है तो बुलाने की कोशिश करें चूँकिनवान बहुत अहम है और हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर पहले इस अनवान को समझें कभी कभी आप ऐसा मैसेज भी पढ़ सकते हैं कि बाहर से को बुलाने की क्या ज़रूरत थी यहीं ख़ुद बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन बेवकूफ़ होता है कभी आदमी माहिर हर फन के अलग अलग लोग होते हैं ज़मीनी तौर पर काम करने वाले लोग जब ज़मीनी तौर पर काम करके मशाक हो जाते हैं माहिर होते हैं अपने फ़न के तो उनसे रहनुमाई हासिल करना ही अक्लमंदी है आज चूंकि हैदराबाद में बरसों से इस मैदान में काम करने वाली एक टीम वहाँ काम कर रही है ज़मीनी सतह पर काम करने का उनका अच्छा तजुर्बा है इसलिए यहाँ ओलमा होते हुए भी उनको मदू किया गया है लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हम किसी काम को देखकर बर्दाश्त करने के आदि नहीं हैं फौरन ख़य होना शुरू हो जाती है इसलिए हम सब इस मौजू की हसासीत पर थोड़ा सा गौर करें और हम हमा ने इसी पस मंज़र में इस बात की कोशिश की है कि शहर में अलग अलग, अलग लोग ख़म नबूत के नाम से काम कर रहे थे सब के पास ख़त नबूत ही का बैनर लगा हुआ था तो अमीर शरीत इमारत शरिया एक हम सब का मुतफ़ा इदारा है इसलिए सारे बैनरों को इकट्ठा करते हुए हम सब इन बड़ों की सरपरस्ती में काम करेंगे ऐसा हम सब ने तय किया है और यहाँ बैठने वाले सब के सब इन उस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे इसलिए ये महफिल सरे दस रमज़ान से पहले अर्जेंट बुलाई गई है ताकि जो लोग सच्चा जज्बा रखते हैं वो यकीनन ज़रूर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में जो लोग मतलूब है वो लोग आ गए हैं यकीनन हमको यकीन है कि वो एक सच्चा जज्बा लेकर यहाँ से लौटेंगे और आइंदा हम बैठेंगे नहीं बल्कि इस प्रोग्राम को ज़मीनी तौर पर करने की कोशिश करते रहेंगे हमारे इस काफ़िले की निगरानी हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब मदनी फरमा रहे हैं और सरपस्ती मौलाना मुफ्ती मोईजुद्दीन साहब कासमिया मेरे शरीय फरमा रहे हैं जितने लोग बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि ज़रा अपने पड़ोस में आपका शनासा है कि ज़रा देख लें कोई अजनबी है तो ज़रा उससे मुजा कर लें कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं अब अगला अगलावान है इंजीनियर अली मिर्ज़ा और जावेद अहमद गामिदी के गुमराह कुन नज़रियात मैं मुफ्ती अब्दुल अब्दुल्कवी उमर हसामी दामद बरक़ा तम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौजुआ पर सैर हासिल गुफ्तु फरमाएँ अलक वरहि वर्का الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وسادة الاتقياء وخاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

आज का हमारा ये जमा होना इंतहाई अहम नाज़ुक हसास मौ पर है आम तौर पर लोग इन महीनों को रजब शाबान को जलसों का मौसम कहते हैं और हजरत तो जानते ही हैं माशा कि जब मौसम आता है तो लोग बहुत सारे अहम और ज़रूरी प्रोग्रामों को मौसमी प्रोग्राम समझते हैं लेकिन आज का ये इज्त आज का ये जलसा आज का ये वर्कशॉप कोई मौसमी वर्कशॉप नहीं है आप हजरात बल्कि आप में से हर एक और इस सरज़मीन पर रहने वाला हर मुसलमान जिसके दिल में हजूर करम सल्ह वसलम के दीन की महब्बत है हालात को जानता है कि यह नॉर्मल हालात नहीं बल्कि ये इमरजेंसी के हालात है अगर आज भी कुछ लोग ये सोचने लग जाएं कि आगे बहुत काम का मौका है आगे करेंगे आगे देखेंगे अभी क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी क्या है इतने हसास होने की क्या ज़रूरत है इतने हम इमोशनल क्यों हो रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा और क्या बुरे हालात होने चाहिए किलमा कराम बता रहे हैं कि हज़ारों की तदाद में वो उम्मत का नौजवान तबका जिनके लिए दोनों जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कीमती आंसू का कतरा जिसके सामने पूरी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है इन नौजवानों के लिए जिस आका ने अपने आप को तड़पाया था जिस उम्मत को इर्तदात और इलाहा की आंधियों से महफूज रखने के लिए तेईस साल का कोई लम्हा आप सुकून से नहीं रहे थे अगर आज भी उम्मत ये कहते हुए बैठ जाएँ अभी वक्त नहीं अभी वक्त नहीं तो फिर कल क्यामत के दिन रोज़े महशर में अकरम करम अलैहि वसल्लम के सामने आंख कैसे मिला पाएंगे और सल्लल्लाहु करम वसल्लम के चेहरे अनवर के सामने खड़े होने की जरूरत कैसे कर सकेंगे यह सोचना पड़ेगा अभी ये नॉर्मल हालात नहीं बहुत हसास मौजू है बाज मरतबा हालात को देख कर समझ में ही आ रहा है इतना काम इतना काम है लेकिन हम काम पर काबू क्यों नहीं पा सक रहे हर जमाने में मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों अल्लाह के दीन को मिटाने के लिए दुश्मनों ने बड़ी कोशिशें की बहुत साजिशें की तारीख़ पढ़ने वाले जानते हैं कि तारीख में ऐसे कई लोग महफूज हैं जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए नए नए हरबे अपनाए लेकिन मौजूदा दौर में नई नई चालों के साथ नए मंसूबों के साथ नए अजाइम के साथ नए इरादों के साथ नई शक्लों के साथ मुसलमान नौजवानों के जहनो दिमाग को अट्रैक्ट करने वाले इंतहाई जबरदस्त पुरकशिश अंदाज और लबे लहजों के साथ आज हमारे नौजवानों के ईमान को लूटने के मंसूबे बनाए जा चुके हैं हो सकता है हम में से बहुत से ऐसे हैं जो सोशल मीडिया नहीं देखते हो सकता है हम में से बहुत से ऐसे हैं जो विकीपीडिया नहीं देखते हो सकता है हम में से बहुत से ऐसे हैं कि जिनको वक्त नहीं है और बिल्कुल वो अपनी जगह सही हैं क्योंकि हमारे पास अपने बहुत से तकाजे हैं हर आदमी अल्लाह के नबी के दीन के लिए बेचैन है वो अपने दीन की खिदमत में लगा है और अल्लाह के दीन की हिफाजत और इशात के जज्बे के साथ अपने आप को लगाया हुआ लेकिन सोशल मीडिया पर अगर सर्च करके देखेंगे तो वो जो 1400 साल से अपने असलाफ के तरीक़े पर अपने अकाबिर के तरीके पर अमल करके कुरान और हदीस की सही तशरी पेश कर रहे हैं दुनिया उनको इस्लामिक स्कॉलर नहीं कहती दुनिया इस्लामिक स्कॉलर उन्हें कह रही है जो अपनी मनमानी तशरी कर रहे अपने मर्जी का इस्लाम बता रहे अपनी पसंद का इस्लाम बता रहे आज के ज़माने में दो तरीके पर काम बहुत जोरों पर किया जा रहा है गौर करने वाले गौर कर रहे हैं पहले नंबर पर असलाफ से सहावः कराम से एतमाद को ख़त्म कर दिया जाए सबसे पहले नंबर पर अकली तौर पर आजकल लोग क्या कर रहे हैं हर बात को भाई लॉजिक होना लॉजिक होना लॉजिक होना अगर लॉजिक की बुनियाद पर हम मुसलमान होते तो दुनिया का कोई इंसान वजू टूटने पे वजू नहीं करता क्योंकि लॉजिक ही नहीं बनती साहब का ये लॉजिक पर कुछ भी लॉजिक नहीं है अगर आदमी सफर में जा रहा है पैर गंदा हो गया इस्लाम इजाजत देता है कि आप मुसाफिर है सफर में है वजू नहीं कर सकते तयम करना पड़ रहा तो तैम करने के वास्ते पैर के नीचे के हिस्से पर कुछ करने गए नहीं है ऊपर करने गए लाजिक ही नहीं बनती वहां पर लाजिक क्यों बन रही नहीं बन रही लाजिक और लाजिक से इस्लाम का वैसा ताल्लुक नहीं जैसे दुनिया को समझा रहे हैं लाजिक भी इस्लाम मानता बल्कि लाजिक के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ें जो लाजिक में नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नहीं मान सकते कुरान मजीद में अल्लाह अल्लाबाना व पहले बारे में ही फरमाया कि बिलगैब गैब पर ईमान रखने वालों को मुतकी कहा लेकिन आज लॉजिक की बात चल रही है हर तरफ देखो साहबा भी इंसान है हम भी इंसान हैं उनसे भी गलती हो सकती नहीं हो सकती क्या बोलो ऐसा नौजवानों को बोल रहे हैं हाँ बात तो सही है उन्होंने भी ही है ना हाँ जब उन्होंने इंसान मान लिए उनको तो इंसान से गलती हो सकती लिहाजा उनसे भी गलती हुई जब उनसे किसी एक काम में गलती हुई तो फिर कुरान पहुंचाने में भी गलती हो सकती हो सकती ना, है ना पॉसिबल है भाई पॉसिबिलिटी पे लाके छोड़ देते वो आगे का नौजवान बोलता हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाह तुम आयत का ये मतलब बताए उन्होंने बताए होंगे भाई लेकिन इन्हों ये बता रहे। क्या मतलब नहीं कर रहा मतलब ये नहीं कर रहा कि नौजवान के जहन के अंदर एक जगह बनाई जा रही कि आप पॉसिबल समझो साहबा ही कुरान की तशरी करना जरूरी नहीं हम भी कर सकते बल्कि आज के जमाने की उससे अच्छी तशरी कर सकते कौज ऐसा बोल रहे लोग पहला काम यह किया जा रहा साहबा इक्राम पे से एहतमत खत्म कर साहबा पर से एहतम ख़त्म करने का मतलब इस्लाम की बुनियाद को खोखला कर देना। एक एक दरख्त को दरख्त की एक एक टहनी को एक एक पत्ते को एक एक फल को तोड़ने से वो लोगों ने देख लिया हमारा मकसद हासिल नहीं होता साहबा की शख्सियत पर हमला करो अफसोस तो इस बात पर है कि हमारे जीते जी साहबा की शख्सियत पे हमले हो रहे हैं और हम जिंदा भी हैं और हम जी भी रहे हैं खा भी रहे हैं और आज का मुसलमान पूरी इंडिया में एक ही महीने के अंदर इतना अरबों खरबों का पैसा सिर्फ शादियों पर खर्चा होता उतना कम ही नहीं हो रहा बोलने वाले बोल रहे साहबा की शख्सियत पे पहला काम साहबा असलाफ बाद के दौर के नेक लोग मुफसरीन मुहदसिन आईमा सब पे उंगली उठाए यह कह दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे हम नहीं बोल सकते बोल रहे दूसरा काम जो इस वक्त किया जा रहा है के फैलाने वाले मुसलमान नौजवानों को गुमराह करने के लिए वो नंबर दो उलमा से दूरी दूसरे नंबर पे उलमा से दूरी आज गूगल पे सर्च करके देख ले अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया के तबाही के दहाने पे खड़ा करने में किसी का रूल है गूगल बोलेगा उलमा है वो ग्राउंड रियलिटी अलग है लेकिन इतना उलमा को बदलाम करे इतना बदनाम करे इतना बदनाम करे कुछ भी हो गया तो उलमा क्या कर रहे उलमा क्या कर रहे उलमा क्या कर रहे ये सवाल क्यों हो रहा इसके पीछे मेहनत है बातिल की क्योंकि उनको पता है साहबा की सौ फीसद अजमत अगर दिल में बिठाने की हिम्मत और जरूरत किसी में है तो उलमा में उन्होंने पता है इलाज उलमा से होता लिहाजा पहले से इलाज बंद कर दिए इलाज होना होने नहीं ये लोग के बाद जाने ऐसे ऐसे काम इस वक्त हो रहे मेरे साथियों मौजूदा दौर में जो सुबह से आपने फितनों का सुना है अल्हम्दुलिल्लाह अलहमद ला की मेहनतों से माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन नतीजा आ रहा ख़त्म नहीं हुआ और खत्म होता भी नहीं क्यों क्यामत तक रहेगा ये काफिला चल रहा है चलेगा अल्लाह चाहे तो एक दिन के अंदर पूरी दुनिया में हिदायत फैला दे आम कर दे अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है लेकिन अल्लाह तो कर देंगे हम लोग क्या कर रहे फिर अल्लाह आजमा रहे हैं देखते हैं साहबा पे आजमाइश आई थी तो साहबा ने अपनी जान लगा दी बीवी को यतीम बेवा बच्चों को यतीम करवा दिया अपने खानदान उछड़ गए लेकिन उन्होंने गवारा कर लिया देखते हैं चौदहवीं सदी और पंद्रहवीं सदी के मुसलमान जब उनके दीन पर आती है तो क्या करते हैं अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं लेकिन इम्तिहान ले रहे हमारा सौ फीसद खत्म नहीं होते लेकिन काबू में आएंगे उनका जोर खत्म होगा उनकी शिद्दत खत्म होगी जो सैलाब चल रहा है इरतदा का इलाहाद का वो तो कम से कम रुकेगा मौलाना सुबह में बता के फिर गोवरशाही के बारे में भी बताया गया फिर अभी मौलाना मोहतरम ने जैसे शकील बिन हनीफ के बारे में आपको सुनाया ये फितने इतने खतरनाक है कि बहुत सारे लोग बल्कि मुसलमान हैं उनको पूछे तो ऐसा नहीं मालूम पहली मरतबा सुने पर कितने लोगों से मुलाकात हुई तो मुलाकात के दौरान एक सवाल तो भी करने को दिल बोलता वो शकील बिन हनी सुने गया नहीं सुने

अभी ये जो फितना है जिसका मौलाना ने ऐलान किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जावेद अहमद गामदी ये दोनों के दोनों ऑनलाइन फितने ये शकील बिन हनीफ का फितना ऑफलाइन उन्हें कहाँ गया मालूम हो जाता अच्छा औरंगाबाद में है महाराष्ट्र में है हैदराबाद में है तेलंगाना में आंध्रा में है उसका क्या है मालूम लोकेशन मालूम होता शकील बिन हनीफ के फितने का लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा और जावेद अहमद गामदी ऐसा है उसका लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर सकते हम लोग क्यों ऑनलाइन का फितना जगह 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 इंजीनियर अली मिर्जा और शकील बिन हनीफ और गोहर शाही और जावेद अहमद गामदी सारे के सारे हमारे नौजवानों के ईमान के लुटेरे इस पर भी काम करना है इस पर भी काम करना है जावेद अहमद गामदी के कुछ नजरियात मैं आपके सामने बतौर मुदाके के सुनाना चाहता हूं ताकि हम आप, हमें पता चले कि जावेद अहमद गामदी साहब क्या कर रहे लगा फोटो अच्छा खैर वो फ़ोटो रहती तो दिख जाते थे वो एक उन्होंने साहब जैसे दिखने में पूरे क्लीन शेव रहते दूर से देखो तो कहीं से भी उन्होंने जेंट्स ही नहीं दिखते पहले तो उन्होंने मतलब मौलाना दिखना इस्लामिक स्कॉलर दिखना बहुत दूर की बात है हजरत मौलाना आखिल साहब रहमत ला हैबाद के बड़े मशहूर मकबूल आलिम दीन थे अल्लाह पाक ने बड़ा काम लिया पचास साल तक अल्लाह पाक ने खेड़े खेड़े गाँव में देहातों में शहरों में हजरत ने काम लिया तो एक मरतबा गुफ्तु करते करते हजरत का अंदाज़ था बिल्कुल जरीफाना लबो लहजे में बड़ी बड़ी बातें समझा देते थे तो एक मरतबा एक साहब एक आदमी खड़ा हुआ था बेचारा बिल्कुल उन्हें दाढ़ी नहीं थी उसके चेहरे पे तो उसको देख के बच्चा रो रहा रो रहा रो रहा तो इन्हों बेचारे परेशान हो गए कई को रो रहा कि बल्कि गोद में ले दे के खामोश बैठ गया हजरत के सामने बात है तो हजरत बोले क्या हुआ कई को रो रहा था अरे उसकी अम्मी घुम गई थी कहते तो इनको देख के अम्मी समझ के रो रहा था उन्हें जैसे ही गोद में ले लिए तो अम्मी समझ के खामोश बैठ गया तो इनो भी बेचारे क्या है आज के ज़माने के फितनों के अम्मी दिखते हैं नो पूरे जितने फितने हैं ना पूरे फितनों के अम्मी दिख रहे चेहरे पे क्या है दाढ़ी नहीं है और बेहतरीन तरीके से लोगों को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे और माशाल्लाह से ऐसा बोला जाएगा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अल्लाह माफ फरमाए उनके नरगे में चले गए अभी गुजश्ता एक चैनल पर मैं देखा हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बर खातमी हैदराबाद की एक बड़ी शख्सियत है बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा मकाम दिया मरतबा दिया तो एक साहब हजरत के बयान पे कमेंट कर रहे वो कमेंट क्या कर रहे वो देख के आप पब्लिक के मैंटेलिटी समझ सकते कमेंट ये कर रहे कि आप जमाल भाई या जमाल साहब बल्कि लिखे उन्होंने आप जावेद अहमद गांधी के बयान सुनो आपकी मालूम में इजाफा होता कते किसको लिख रहे वो हजरत शाह रहमान साहब दामदर का तुम यानी लोगों की सतह इतनी गिर गई कि ऐसे लोगों को जिसके बाद इल्म नहीं अमल नहीं वैसे लोगों को हजरत जमाल साहब को मशवरा दे रहे उनका बयान सुनो बल्कि क्या है क्या अब आप पूरी दुकान लगा दी होलसेल की खैर तहफुज्ला काम ही जैसा करते हुआ तो देखिए ये जितने हैं ना पूरे चाहिए अलग अलग अंदाज में जितने फोटुआ हैं इससे ज्यादा तो इनके किराएमा है जितने फोटुआ दिख रहे ना इससे ज्यादा इनके किराए से तो अब देखिए जावेद अहमद गांधी साहब की अगर कोई बयाना सुन रहा है अगर जावेद अहमद गांधी साहब की वीडियोस देख रहा है तो क्या हो जाता वो आदमी ये समझता कि असली और हकीकी इस्लाम अभी तक कोई इंसान नहीं समझ सका जावेद अहमद गांधी साहब अब सही इस्लाम समझा रहे उन्होंने कुरान शरीफ की तफसीर लिख दिए हदीसों का सही मतलब बयान कर रहे जितनी बातें वो समझे उनका यह कहना है कोई और नहीं समझा उनकी अपनी गुफ्तगु की तहकीक के मुताबिक कह रहा हूं दूसरी बात कुरान और हदीस की वही तशरी मतवर है जो जावेद अहमद गांदीस की फिक्र से मेल खाए जावेद अहमद गामदी की अगर फिक्र कुरान और हदीस की जो बात बयान कर रही अगर वही बात दूसरे उलमा बयान कर रहे उन्हें बोलते कि ठीक है अगर वो नहीं बयान कर रहे तो जावेद अहमद गामदी साहब कहते हैं कि ये बात सही नहीं है उनके आवाज नजरियात आप गौर करके देखिए जैसे अभी हजरत मौलाना शकील बिन हनीफ के फितने के बारे में तफसील से बात समझाई कि शकील बिन हनीफ़ का जो फितना है वो ईसा आलत वसलाम के दुनिया में आने की जो हदीसें हैं ना उसी को बुनियाद बना के उसमें रद्दबदल करके तहरीफ करके वो लोग एक झूठे को सच्चा बनाने पे तुले हुए हैं। और ये कोई न्यू वर्ज़न नहीं होता शकील बिन हनीफ बोले तो इससे पहले जावेद अहमद इससे पहले गुलाम अहमद ख़ादिया ने भी यही कोशिश किया कि वो ईसा आसलाम जो आने वाले हैं ना उसी को बहाना बना बना के कई फ़त्ने आते जाते जावेद अहमद गांधी का ये नजरिया है कि भाई सब लोग मिल के रहना सब के अंदर अमनो अमान रहना पूरे मुसलमान एक रहना अब उन्होंने देखे कि जावेद अहमद गांधी साहब देखे कि ईसा आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही पब्लिक जो है सो तो कन्फ्यूज कन्फ्यूज हो जा रही कई लोग आप पूछ रहे आते नहीं आते लंदन में आते हैं अमरीका में आते हैं जापान में आते हैं कहांते आखिर इंडिया में आते हैं हिंदुस्तान पब्लिक परेशान दिखे जावेद अहमद गांधी साहब क्या है कौम का बड़ा दर्द रखने वाले अपने आप को पेश करते उन्होंने बोले कि ईसा सलाम वफात गए अब उन्होंने आप लोग परेशान रखो उनको ढूंढने के चक्कर में मत रहो मेरा बयान सुनो मैं जितना गुमराह कर रहा हूं वोज गुमराह हो जाओ काफी है बोल के ईसा सलाम वफात गए बोले हालांकि अगर आप अहले सुन्नत वाल जमात की तमाम चौदह साल की जितनी चैन है

यह बात साबित है जो हजरत में खारिज इस बुनियाद पर जावेद अहमद गांधी चूंकि जुमूर के अकीदे से टकरा रहा है उनका अकीदा इस बुनियाद पर इस्लाम से खारिज लेकिन आज के मॉडर्न जमाने के लोग हैं मॉडर्न एजुकेशन लेके बहुत ज्यादा अपने आप को शार्प समझदार समझते उन्होंने क्या करें एक और उसूल बना दिए बना दिए कि हम किसी भी उम्मती को किसी को काफिर कहने का हक नहीं क्या उसूल बनाए किसी भी उम्मती को किसी का किसी को काफिर कहने का हक नहीं है चूंकि उनको पता था कि अगर मैं हजरतिसम के आने का इनकार करूंगा तो कुरान को हदीस को इस्लाम को साहबा को सही तरह फॉलो करने वाले मुझे काफिर कह देंगे लिहाजा एक और उसूल बना दिए हम किसी को काफिर नहीं कहते यहां तक के गुलाम अहमद परवेज यहां तक के मिर्जा गुलाम अहमद खादी यानी को भी हम काफिर नहीं बोलते जबकि आपने सुबह सुना होजरत मौलाना अर्शद कासमी साहब दामद बरगातमला नेादियानीत पर रकीद ख़तम नबूवत पर साहबा कराम का जो जज्बा था जंग यम में वो बताया कि एक बुनियादी अकीदा है इज्माहीकैदा है अल्लाह के नबीम आखिरी नबी और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मलून हमारे नबी के बाद नबी की जगह बैठने की कोशिश करता कुरान की जगह अपनी झूठी बातों को खुर वही का दर्जा दिया जाता साहबा की जगह अपने झूठे मानने वालों को साहबा का दर्जा देता ये सब हम सुने इंतहाई बदतरीन काफिर है लेकिन चूंकि जावेद अहमद खानदी को अपना रास्ता बनाना था उन्होंने क्या कह दिया किसी को भी हम काफिर नहीं बोल सकते हालांकि ने लिखा अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे मलून बदबख्त को काफिर ना कहे तो वो भी काफिर इतने बदतरीन काफिर है वो तो ऐसा अकीदा रखने वाला अब हम अंदाजा लगाएं हमारे मुसलमान उनकी बातें सुनेंगे तो गुमराह होते नहीं होते फिर आप आगे देखिए चंद चंद बातें आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं कि हदीस से दीन में किसी अमल या अकीदे का इजाफा बिल्कुल नहीं हो सकता हदीस से दीन में किसी अमल या अकीदे का इजाफा नहीं हो सकता फिर किससे हो सकता साहब तो कुरान से हो सकता पूरा अच्छा तैयार करके पूरा पैटर्न है उनके पास बुरा नक्शा बने हुआ है ऐसा इजी छोटा मोटा बच्चा नहीं होता जावेद अहमद गांधी पूरी प्लानिंग के साथ में चैनल चला रहे पूरी प्लानिंग के साथ में रिसर्च सेंटर चल रहा अब आगे की बात सुनो आप अभी क्या बोले कि हदीस से दीन में किसी अमल का इजाफा नहीं होता किसी अकीदे का इजाफा नहीं होता दाढ़ी रखने का जो हुक्म है वो हदीस में है कुरान शरीफ में दाढ़ी रखो बोल के कहीं भी नहीं हदीस में है तो आगे एक और उन्होंने बयान में कह दिया लिख दिया किताब में दाढ़ी सुन्नत और दीन का हिस्सा नहीं है दाढ़ी क्या है सुन्नत और दीन का हिस्सा नहीं है क्यों नहीं है उनको नहीं रखना है ना इस वास्ते भाई आपको नहीं रखना है मत रखो अगर कोई आदमी दाढ़ी नहीं रख रहा गुना होता लेकिन दाढ़ी दीन का हिस्सा नहीं है बोलने का मतलब क्या चौदह सौ साल से साहबा ने ताबीन ने तबे ताबीन ने जो दीन समझा वही मोतबर है जावेद अहमद गांधी का समझना आना मोतबर नहीं है लेकिन जितने लोगों को दाढ़ी नहीं रखना दिल बोल रहा था हजरत बोल के खदमों में गिर गए हजरत के क्यों भाई हमारा दिन बता रहे अपन मुसलमान भी है कहते और दाढ़ी नहीं है साहब इस्लाम में बोल दिया हजरत बोल दिया ना क्यों बोल दिया हजरत को नहीं है ना इसलिए हजरत बोल दिया नहीं है बोल के जो चीज उनको अमल नहीं करना है अगर उसको दीन से खत्म करते जाएंगे तो दीन क्या बचेगा दीन नहीं बचेगा तो दाढ़ी सुन्नत और दीन का हिस्सा नहीं है इसी तरीके से एक यह ये ये भी उनका नजरिया है कि सुन्नत सिर्फ दीन इब्राहिमी की वो रिवायत है जो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से जारी फरमाया सुन्नत वो नहीं जो अल्लाह के नबी शाह की जिंदगी में अमल में किताबों में हदीसों में साहबा ने आंखों से जो देखा जो सुना जो बताया वो नहीं हजरत इब्राहिम की जो सुन्नत है ना उसको मानते इसी तरीके से जावेद अहमद गामदी का एक नजरिया ये भी है कि जिसको म्यूजिक बोलते ना गाना बोलते मौसीकी बोलते मौसीकी फी नफसी ही जायज है म्यूजिक क्या है फी नफसी जायज है उसमें कोई कबाहत नहीं है जबकि पिछले चौदह सौ साल के इस्लाम पर अमल करने वाले उलमा का यह कहना है कि म्यूजिक हराम है म्यूजिक का सुनना हराम है ना इस्लाम में कुरान पर कुरान में दलील है हदीसों में दलील है अमल है पूरे इस्लामी तारीख़ के मानने वालों का मुसलमानों का कि मौसीकी नाजायज़ हराम है लेकिन चूंकि जावेद अहमद गामदी के जितने फॉलोवर्स हैं, वो फॉलोवर्स तकरीबन क्या है पूरे पैसे वाले लोग बड़े बड़े लोग और इंग्लिश कंट्री में रहने वाले लोग जब तक कानों में गाने की आवाज़ नहीं गई तो स्टेयरिंग फिरती नहीं गाड़ी आ, कान आर, का, कार आनीच नहीं होती इस वजह से क्या कर लिए मसला पूछे तो हजरत खिबला बोले नहीं नहीं नए नहीं, मौसी फी नफसी जायज है आप बिल्कुल जो करते करो लोग खुश हो रहे इसी तरीके से आप देखो दुपट्टा हमारे यहां मुसलमानों की तहजीबी रिवायत है इसके बारे में कोई शरीय हुक्म नहीं है कते दुपट्टा ओढ़ना बुरका ओढ़ना औरत जो दुपट्टा डाल उड़नी डाल लेती पर्दा करना इस्लाम का हुक्म है लेकिन जावेद अहमद गांधी की किताबों से यह नजरिया मिल रहा है कि यह एक तहजीब और कल्चर है इस्लाम का हुक्म नहीं क्यों उनके सुनने वालों को पर्दा पसंद नहीं है तो इन्होंने पर्दा निकालती आगे दाढ़ी ना होना दाढ़ी खत्म म्यूजिक हलाल होना म्यूजिक को हलाल और पर्दा ना होना लिहाजा पर्दा भी नहीं है इस तरीके का दीन आज बताया जा रहा यह दीन आज वीडियोस के जरिए से सुनाया जा रहा और अगर कोई किताब लिखता मुमकिन है पचास साल सौ साल के बाद किताब खत्म हो जाती सौ डेढ़ सौ साल रह जाती बाजे बाजे किताबें हजार हजार साल रह जाती लेकिन ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे अल्लाह जानता है कब तक टेक्नोलॉजी चलेगी और वो कब तक बाकी रहेंगे और कितने हजारों लाखों लोग गुमराह हो जाए आज कितने ऐसे लोग हैं जो उलमा कराम के खिलाफ बोलना सीख रहे हैं जावेद अहमद गांधी की वीडियोज देख के जावेद अहमद गांधी की वीडियोज को सुन सुन के देख देख के उलमा के खिलाफ बोल रहे लेकिन कितने ऐसे उलमा हैं कितने ऐसे दानिश्वर हैं कितने ऐसे मुसलमान हैं जो उम्मत का दर्द रखने वाले जो मिल्लत की तड़प रखने वाले जावेद अहमद गांधी के फितने का पीछा कर रहे हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं एक जगह पर बयान करने के बाद से गए वो बयान हुआ तो बयान के बाद में एक साहब आके बोले मौलाना वो जावेद अहमद गांधी के बारे में नहीं बोलना था जी आप सब बोलना था कई को पूछा मैं नहीं आके डिसेंट लोग हैं कहते पूरे क्या है वो डिसेंट लोग किसको बोलते थे तर्जुमा कर उर्दू में पूछा मैं वो डिसेंट की उर्दू नहीं आई अब तक डिसेंट का मतलब क्या डिसेंट का मतलब बेशरम मैं करता हूं डिसेंट का मतलब बेगैरत डिसेंट का मतलब दीन का जज्बा नहीं रखने वाले डिसेंट का मतलब क्या ऐसे झूठे मक्कार फरेबी धोखेबाज साहबा के खिलाफ जबान खोलने वाले बदमाश को फॉलो करने वालों का नाम डिसेंट है बेगैरती का नाम डिसेंट है अभी जैसा मौलाना बताए ना नहीं बोलने वाले नहीं बोल रहे कई को नहीं बोल रहे बोलने नहीं दे रहे बोले ना मस्जिदों में क्या है बोलने के लिए पाबंदियां लगाई जा, जा रही है तो कहां से फितना खत्म होता कई ऐसे मुसलमान हैं व्हाट्सएप के स्टेटस पर जावेद अहमद गांधी की वीडियोस रखते रमजान आ गया वीडियो लगा रहे अब रमजान आ रहा ना तरावी की भी नहीं है हजरत क़िबला के पास तरावी का मसला भी हजरत के पास बोले नए नए वो तरावी बाद में निकाले जो है मैं एक मरतबा वीडियो सुनाता तो उसमें बोले जिसका जी चाहे पढ़ ले उन्होंने कैसा बोलते आप लगा सुने से नहीं मालूम एकदम अच्छे तरीके को बोले तो एक्टर जो रहता ना उन्हें अपनी असल जो ज़बान रहती ना वो नहीं बोल सकता जितने एक्टर्स रहते ना आप कभी रियल लाइफ में मिलके देखो अरे आप ही जय हो अच्छा बोलते ना स्क्रीन पे हा हा वो स्क्रीन के अलग पैसे मिलते ना ये रियल लाइफ में फ्री में बोलना रहता ना बोलता तो जावेद अहमद गांधी साहब मुझे एक्टर दिखते एक्टर क्यों ऐसा बात करते कितना भी बुरी बात बोल लो हजरत को गुस्सा नहीं करते। आता कते कई साहब गुस्सा क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में गुस्सा लिखे हुआ नहीं है गुस्सा आया तो फीस खत्म हो जाती फीस कट जाती नॉर्मल तरीके से बोल रहे क्या बोल रहे तरावी असल में बाद में निकाली गई एक इबादत है जिसका जी चाहे पढ़ ले पढ़ने वाले बीस पढ़ते हैं पढ़ने वाले आठ पढ़ते हैं नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ते हैं आपकी मर्जी की बात है शरीयत में सरवर सरवरद आलम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है ऐसा बोले तो कौन पढ़ता तरावी पढ़ते साहब कोई तरावी पढ़ते या उलमाए गिर तरावी पढ़ो 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 बोलते कौम तरावी नहीं पढ़ रही दस दिन के बाद पूरे गोल इशारे में बोलना पड़ता जिम्मेदार भी गोल हो जा रहे पूरे दस दिन की तरावी जबकि पूरा महीना तरावी पढ़ना इसके बावजूद तरावी की सुन्नत की अहमियत मुसलमानों में आए दिन कम हो रही और वहां ऐसे लोग वीडियो बना बना के बोल रहे हैं और हमारे पास भी मुसलमानों का तबका पहले से मसले पूछते थे को फ़ोन करते थे को हालात सुनाते थे अब वो लोग सब यूटूब के कर रहे हैं यूट्यूब पर सुना रहे गूगल से पूछ रहे पूरा नाम भी गूगल से पूछ रहे मसला भी यूटूब से पूछ रहे दीन भी यूट्यूब से सीख रहे इसका मतलब ये निकला है दीन के सच्चे तर्जुमानों को और इस्लाम के सच्चे नुमाइंदों को अल्लाह के नबी के सच्चे वारिसों को इस वक्त की जरूरत मैदान में आना पड़ेगा और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हक़ाक़ हक और इब्तब बातिल का फरीजा अंजाम देना पड़ेगा वैसे ही फितना खत्म होता उसके बगैर नहीं होता खत्म आगे वाला उसके पास में घोड़ा है हम बोल रहे घोड़ा हमारे पास नहीं है ना आगे वाले के शिप है आगे वाले के है। आगे वाले वाले के के जहाज है में बड़े बड़े टेक्नोलॉजी है और हम बोल रहे नहीं नहीं हम लोग टेक्नोलॉजी से नहीं हम लोग दुआ से जीतते जीतते दुआ से भी लेकिन वो सहाबा के जैसा ईमान होना पड़ता फिर बदर में निकल के दुआ करे अल्लाह के नबी मदीने में बैठ के दुआ नहीं करे उहद में सत्तर जानिसारों को शहीद करवा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी देखी थी अगर सब दुआओं से हो जाता तो यह हकीकत अल्लाह के नबी को नहीं पता थी दुआओं से भी होता लेकिन दुआओं के साथ साथ अजबाब भी इख्तियार करना पड़ेगा बातिल मैदान में जिस हथियार को लेकर बातिल मैदान में जैसा खड़ा है जब तक हम बातिल के मुकाबले में वैसे खड़े नहीं होंगे नहीं होता लोग बोल रहे फितने इतने फैल जा रहे मौलाना गागरना हाँ फैल जाते फितने इसलिए फैल जाते कि फितना तो एक ही दिन में एक ही घंटे में दस लाख लोगों को जहन खराब कर रहा है और हम क्या कर सकते कुछ भी नहीं कर पहले मस्जिद में लोग आ नहीं आ रहे हैं यहाँ का क्या है औरंगाबाद का नहीं मालूम हैदराबाद में कर्नाटका में दूसरे जगहों पे कहीं भी गए तो क्या मुझे आप जुम्मे का क्या हाल है <laughs> मौलाना आके बैठे हुए रहते मेहमाना नहीं आए बल्कि इंतज़ार करते रहते मुसलियाँ आ रहे नहीं मुसलियाँ आने आने तक जमात का टाइम ख़त्म हो जाता दस मिनट बयान हो रहा पंद्रह मिनट बयान हो रहा मौसम मुकम्मल नहीं हो रहा बैठ के सुनने वाले बोले मौलाना पूरा बयान नहीं करे गए थे मौलाना पूरा बयान कैसा करते आप टाइम पे नहीं आए तो दस पंद्रह मिनट कौन मिलने वाली उसमें भी दीन की बात नहीं हो रही दीन कहां से सुनते फिर इसीलिए आज के जमाने में जरूरत है मुहक्किक उलमा मोतबर उलमा अकाबिर और बुजुर्गान दीन की निगरानी में हम सोशल मीडिया के मैदान में आगे बढ़े एक आलिम दीन पूरे महीने में एक फितने के खिलाफ अगर दो वीडियो भी बना सकता तो बड़ी बात है कोई मामूली बात नहीं होती जावेद अहमद गांधी का फितना छे देना वहाँ एक वीडियो निकाले वो वीडियो सामने के देखो साहब जावेद अहमद गांधी साहब ये बोल रहे ये इस्लाम की रोशनी में ये गलत है ये बात बिल्कुल गलत है इसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है ये साहब को गलत तहकीक़ हो गई इनको गलत फहमी हो गई लिहाजा आप इनसे बचिए बोले तो लोग खुशी खुशी बचते इलाके के आलिम बोलने का असर अलग पड़ता अरे हमारे मौलाना बोले साहब अरे बड़ी मजिद के मुल साहब बोले साहब जामा मस्जिद के ख़ीब साहब बोले अरे हमारे हजरत बोले हर मौलाना के पीछे अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे मखसूस आने वाले रख दिए जो हजरत के नीचे बोलते थे उनको कम से कम वो हजरत बोलने वालों के वास्तवर बना दिए यकीन जानिए ये फितने हैबस से शुगर बीपी थायराइड लाकर मर जाते हैं हैबस से इसलिए बातिल बहुत डरपुक रहता बातिल बहुत डरपुक है अब देखो जैसा मौलाना सुनाए 2008 से लेके अब तक इतने ज्यादा फितने फैले इसके बावजूद आज भी खड़े बालों की सियाही सफेदी में बदल गई जवानी का जोश बुढ़ापे में बदल गया औलाद बीवी बच्चे घर बार अपनी मुलाजिमतें अपने मदरसे की मकतब की मस्जिद की खिदमतों के साथ खड़े हैं मैदान में हिम्मत नहीं हारे अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करेंगे इंशाल्लाह बातिल डरता डर पुक डलते आखिरी हम लोगों को यह समझ में आना बहुत डरते देना मौलाना बताए अभी जैसे जैसे ये लोग मेहनत कर रहे वैसे वैसे शकील बिन हनीफ के लोग एक्टिव अपडेट हो रहे हैं अरे बोले यह बंद कर दिए वहां जाएंगे ये बंद कर दिए वहां जाइए डरना बोलते उसको भागना बोलते चोर बोलते चोर आज तक घूंघट में से बाहर नहीं आए मोहतरमा मा पूछा मई मौलाना को यहाँ के लोगों को भी पूछा वो 20 साल पहले की फोटो है मौलाना को बोला यूट्यूब पे थंबेल बनाने बहुत परेशानी हो रही पूछो खारि साहब साँग? को क्या खारि साहब को सा भी जलसा करे तो शकील बिन की वो फोटो लगाना पड़ता अलग अलग फोटो साहब, मल्टीपल फोटो आ रहे तो अच्छा इनो है बोल के मनुस बोल के समझ में आता हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक नवसत भेजता उसके ऊपर अंदर से बैठे हुए निकल रहे नहीं सोचो आप खाली ये हमारे खत्म के चंद उलामा खड़े हो गए तो दुल्हन कमरे से बाहर नहीं निकली अगर इस इलाके के उलामा खड़े हो गए तो दुल्हन खबर के अंदर चली जाती डर के मौत हो जाती उसकी यकीन जानो आप अल्लाह ने नेलमा में वो जिगर वो हौसला वो हिम्मत रखी है अगर यामा खड़े हो जाएं, ये सोचकर मेरी जान दीन के लिए कुर्बान मेरे अरमान दीन के लिए कुर्बान मेरी हैसियत हजरत अबू बकर के सामने कुछ नहीं है जब वो अन व वाना हई कहकर खड़े हो सकते हैं मैदान में बासठ साल साठ साल की उम्र के बाद साठ साल बूढ़ा जिसके जिसम में जवानी का जोश नहीं लेकिन ईमानी जज्बा ऐसा कि साहबा को मजबूर कर दिए यमामा जाने के लिए अल्लाह पाक ने सहत दी हिम्मत दी हौसला दिया जवानी दी ताकत दी फिक्र दी साथी दिए माल दिया इलाका दिया सब कुछ है कल कयामत में कोई उजुर नहीं है हमारे पास हजरत अबूब अगर अगर चाहते तो कह सकते थे यारसूल अल्लाह मैं साठ साल का हो गया था मैं बूढ़ा हो गया था मेरी मेरे आजाद कमजोर हो गए थे मेरे जिसम में ताकत नहीं थी लेकिन अल्लाह के नबी के सामने उन्होंने ये कोई शिकवा नहीं रखा मैदान में चले गए अबू बकर को सो सलाम हो उनके बुढ़ापे में उनकी जो ईमानी जज्बा था वो देखकर जवानों को जवानी का जज्बा याद आ जाता था उनके बुढ़ापे के जज्बे के सामने हजारों नहीं करोड़ों नौजवानों का जवानी का जज्बा कुर्बान हो जाएगा आज जरूरत है खड़े होने की आज जरूरत है मैदान में आने की बाजे लोग मेरे एक से क्या होता साहब मेरे एक से क्या होता मेरे एक से क्या जहन बने हुआ है मेरे बुनियादा बनाने मेरे बुनियादा बोलने एक मरतबा पॉम्पलेट लेके सफ़र में कहीं से वापस आ रहे थे तो हमारे मौलाना हजरत मौलाना वजीउद्दीन साहब भी साथ में थे तो एक होटल पे चाय पीने के लिए मौना अरशद अली कासम साहब दामद बरका तुम भी साथ में थे सफ़र में हम लोग मौना के साथ निकले थे सफ़र में तो वापस आ रहे थे तो मौलाना और हम लोग गए थे तो वहाँ चाय पिए तो हजरत मौलाना वजीउद्दीन साहब ने कहा भैया काउंटर वाले भाई बैठे हुए हैं ना इनको कुछ तो भी एक हदिया वगैरह दे देंगे भाई होना ना मुसलमानों का तरिया होना चाहिए दावती नुक्ते नज़र भी है हदिया भी हो जाता तब क्या देंगे हदिया क्या रहता है मुलताबों के पास में के पास सिवाय इल्म के कुछ भी नहीं है और इसी पर उलमा को नाज होना है इल्म से बड़ा कोई तोहफा नहीं है मौलाना ने फरमाया अरे चलो गाड़ी में देखो किताबें रखे हुए होंगे ना तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और जावेद अहमद गामजी पर किताब थी मौलाना की और लिख जाके हदत को किताब दी हदिये में काउंटर वाले बैठे हुए थे भाई तो अब खाली किताब दे दीजिए तो कई की बल के तबर्रुक बल के आंखों को लगा लगाकर रख लेंगे बेचारा उसको क्या मालूम वो मनुष्यों के ऊपर लिखी हुई किताब है कोई बरकत वाली किताब नहीं होती हो सकता हो भाई अदब रहता ऊपर रख अटी बरकत आधी बोलता आगे बोला गिरा खराब हो जाएगा तो फोन निकाल के मैं फोटो बताया देखो साहब ये मनुष को पछाने का बोल के अरे हाँ हाँ मैं भी पछा तो ये मनुस को मोला आप तक आ गया हा आ गया अल इनके बारे में लिखे मौलाना इनको गलत है बोल तो वो साहब क्या बोल रहे हैं वो बताना चाह रहा हूँ मई वो दिहाद है गाँव है होटल है उनकी कारोबारी है उन्होंने बोले हाँ मैं भी सुना इनके वीडियोज कोई सुन रहा हर एक बात तक बात पहुंच रही आज जरूरत है हम अपने तमाम काम करने के साथ इस मैदान में आगे बढ़े अब एक दूसरा फितना भी है उसका भी तस्करा करके बात खत्म कर दो आई फोटू भाई जरा लगाओ इसलिए लगाई जा रही फोटू कोई तबर्रुक नहीं होता बरकत नहीं होता कोई इनको देखे तो नूरान नहीं आती बल्कि एक मरतबा वो मनुष्य को देखे तो टारगेट मालूम होता टारगेट टारगेट अचीव करना है बोलते ना टारगेट अच्छा इनो है ये फितना बोल के तो वो जो साहब है जो अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे आने वाले हैं उन्होंने भी जो है सो पूरे जावेद अहमद गांधी साहब के अपोजिट दिखते जावेद अहमद गांधी साहब के रहन तो लगाने तो आराम से कोई जल्दी नहीं है वो उन लोग करने दीजिए तो अहमद साहब के अपोजिट में पूरा दिखने में खुलिया सूरत चेहरा अदाएं हरकतें तरीकेकार पूरा अपोजिट है जावेद अहमद गांधी के लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी जावेद अहमद गांधी को दिल से चाहते सच्चे दिल से चाहते पक्का उस्ताद समझते और काबिल इस्लामिक स्कॉलरों में से एक जावेद अहमद गांधी साहब है बोलते अब सोचना, जब ही ईसा सलाम के आने के अकीदे का इनकार करने की वजह से मुसलमान नहीं है तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कैसे आदमी को फॉलो कर रहे अरे आ गया देखे ढेर सारे है जो तो मुख्त के हम अकसाम फोटो लगे हुए हैं ये सारे के सारे जिते है वो एक ही मनुष्य के फोटो हैं पूरे और अल्लाह पाक से ये औरंगाबाद की जमीन पे दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों के दिलों से इसकी अजमत को निकाल के अल्लाह ताला इसकी हिदायत के लिए दुआ दिल में बिठा देना इसलिए कि अगर कोई आदमी नॉर्मल रह के प्रोफेसर रह के जैसे जावेद अहमद आमदी को देखे तो बोले ना भाई अभी उन्हें मौलाना भी नहीं दिख रहे बोल के तो उनसे फिर भी जरा बचाना करना बोलते लोगों को आसान हो रहा था देखो भाई उन्होंने दिखने में भी मोल साहब नहीं होते जरा बचो बोल के लेकिन ये साहब देखने में क्या है पूरे दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा पाजामा इनोबले वो जावेद अहमद खान जो गलती करे वो नहीं करता वहीं पूरा अच्छा तैयार हो होके प्रिपेयर हो गए मौलानाओं से बड़े मौलाना दिख रहे अब बोल रहे भी नौजवान सबसे बड़े मौलाना इंजीनियर मौलाना बन रहे इतना आम हो गया आप हर किसी को मौलाना बना दे रहे मौलाना के लफ्ज की कोई अहमियत बाकी नहीं रह रही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के आप देखो चंद है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी वहां के छे जहां के जावेद अहमद गांधी साहब है और ये दोनों भी वहां के छे जहां से हर फितना क्या है परवान चढ़ चढ़ के आ रहा हमें तो शकील बिन हनीफ खाली मेड इन इंडिया है समझो हम लोग अगर ये एक फितना भी ख़त्म कर दिए ना तो इनशाला अपना मुल्क पाक हो जाता फितनों से सही है करेंगे ना भाई ये एक फितना अगर खत्म कर दिए शकील का इंडिया से तो ये मेड इन इंडिया बल्कि इंडिया पे धब्बा लगा एक पूरे इंडिया के नहीं है पूरा फॉरन के छे ना पूरे दूसरे जगह के छे पूरे ये एक ही जो इंडिया का है और उसको देख के दूसरे और भी आ रहे अब बोलना बोल रहे हैं एक कई को एक ने रहना कई प्रोडक्ट्स रहना एक मुल्क के बोल के और भी फितने आ रहे हैं मार्केट में जैसे फयाद बिन यासिन के बारे में सुना है मौलाना इशार नाम लिए खतरनाक किस्म का फितना हैदराबाद तेलंगाना आंध्रा अतराफ अकनाफ में मेमोरीज दे दे के औरतों का ईमान आदमियों का ईमान लूट ले रहा ऐसा चढ़ रहा है इस वक्त में फितने अल्लाह हिफाजत करे हर फितनों से ख़त्म नबूत का काम देखो इतना बड़ा काम होता कर रहे पूरी दुनिया देख रही ख़तम नबूत का काम उलमा के सिवा कोई कर रहे है? कोई नहीं करता हर तरफ उलमा कर रहे और मैंने आपको बताया था कि ये जो फितने हैं उलमा दूसरे नंबर पे उलमा से दुश्मनी बहुत है दूरी करना अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जब तक सिक्का नहीं चलेंगे जब तक केलमा की बुराई नहीं होती अब ामा कराम खतम नबूत की मेहनत कर रहे माशाला पूरी दुनिया में काम हो रहा बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े ख़तम नबूत के बड़े बड़े इदारे बन गए माशा बड़े बड़े दफ्तर बन गए और बड़े अच्छे अंदाज़ से आलमी अतबार से काम हो रहा तो क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का यह कहना है ख़तम नबूत के बारे में कहता है कि तहफ़ ख़त्म नबूत बड़ा फ़ायदा मंद कबार है कहते हैं नौजिल्ला क्या खत्म नबूत कारोबार है तहफ नबूत की मेहनत कारोबार है नहीं वो कहता है कि तहफ़ खत्म नबूत बड़ा नफामंद कारोबार है अगर ये काम किया जाए तो बैरुन मुल्क से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है कहते ना उसमें क्या मतलब अल्लाह के नबी वसल्लम की नबूवत की हिफाजत करने पर बैरून मुल्क से कौन देता पैसा कराम कौम अवाम अपना पैसा लगाकर खत्म नबूत पर काम कर लोगों को तहफ़ खत्म नबूत के काम की अहमियत उनके दिलों से खत्म करने की एक नापाक जसारत है जो मिर्जा इंजीनियर मिर्जा ने की ऐसा बिल्कुल नहीं गलत है तहफ है जो हजरत हज़रा कराम के इजमा से शुरू हुआ जैसे आपने मौलाना से सुबह में सुन लिया इसी तरीके से मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है कि कादियानी लोग हजूर सलम को नबी मानते हैं और यहूदो नसारा नबी नहीं मानते लिहाजा कादियानी इन दोनों से अफजल है क्या कादियानी अफजल हो सकते हैं खादियानी तो बदतरीन काफिर है लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कहना है कि खादियानी क्या है इन दोनों से अफजल है इसी तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के अगर वीडियोस जिन्होंने देखे हैं आप उनसे बात करने का कभी मौका मिला या जिन्होंने बात किया उनको पता होगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का सबसे बड़ा टारगेट सबसे बड़ा जुर्म सबसे बड़ा कसूर और इंजीनियर की सारी मेहनत जिसके इर्द गिर्द घूमती है वो ये है हजरत साहबा के राम रिजवान तजमय की शान में गुस्ताखी करना जब तक साहबा की शान में गुस्साखी नहीं करेगा लगता है कि उसकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती और जो मुंह में आया वो बकते रहता है और जो मुंह में आया वो बकवास करता है और साहब क्राम के ऊपर झूठे सच्चे इल्जाम लगाना साहब कराम पे झूठ बोलना तारीख के वाकयात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना और हदीसों के गलत मतलब बताना ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा रोजमर्रा का, का काम बना चुका है इंजीनियर अली मिर्जा की तकरीरों से जो बातें मिलती है उनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं इंजीनियर अली मिर्जा कहता है अल्लाह ताला ने तमाम साहब क्राम की मकफिरत का ऐलान नहीं किया बल्कि रजियाला के जरिए अल्लाह ने मकफिरत का ऐलान सिर्फ उन चौदह सौ साहबा से किया है जो सुलहदेबिया के वक्त में मौजूद थे मतलब ये निकला कि सवाला के करीब साहबा है ना नबी के हयात तीबा में तो उनमें से सिर्फ चौदह सौ सहाबा ऐसे थे जिसकी अल्लाह मगफिरत किया एक मतलब यह निकल रहा मकफिरत सिर्फ इतों की हुई दूसरा मतलब क्या निकल रहा के सौ सहाबा के अलावा सारे साहबा के खिलाफ मैं बोल सकता हूं उनका ऐलान ना मक़फ़िरत का तो ये दो सहाबा की जमात में तकसीम करने वाला यह बदबक हालांकि उम्मत के उलमा सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि तमाम साहब कराम मकफूर है अल्लाह ने सारे साहब कराम से रजामंदी का ऐलान कर दिया चाहे वह सुलीपिया के पहले के हो या बाद अल्लाह सबसे राजी है अल्लाह ने सबको माफ कर दिया लेकिन लोगों के जहन में नौजवान बच्चों के जहन में यूथ के माइंड को डिस्टर्ब करके देखो साहबा में भी सबकी मफफिरत नहीं हुई ये उलमा जो बोलते हैं ना सारे साहबा की मफफी हो गई सारे साहबा अल्लाह से अल्लाह से राजी थे और अल्लाह उनसे राजी था ऐसा नहीं है ऐसी बातें करता और इसी तरह देखो एक और नजरिया सैदाना हजरत मुआविया रजी अल्लाह के बारे में कहता है कि हजरत अमीर मुआविया बिदाती थे अल्लाह उनसे राजी नहीं हुआ कते ना अब कोई अब जैसे कि हम यहाँ पर बयान कर रहे अब हर मजहब रिकॉर्ड कर रहे अब इसको बाद में यूट्यूब पे डाले तो कैसा भी वो बयान डाले तो इंजीनियर की फोटो लगाना पड़ता उनको लगाते कि तहफीन वालों का नाम लेके बोल देता उन्हें नाम अगर मुंह पे आया तो नहीं आया तो क्या बोलता बोले तो देखे मेरी फोटो लगाए बगैर इन लोगों को विफ नहीं आते कहते तो आज सुन लें इंजीनियर अली मिर्जा जब तक हजरत अमीर मुआविया रवि अल्लाह तला का मुबारक नाम तेरी गंदी जुबान पर नहीं आता जब तक तेरे को भी विफ नहीं आता उसका नाम का नाम ले लेके वीच लाता जब भी मुंह खोला हमेशा मुंह से गंदगी निकलती कम से कम मुंह तो बंद रखना ना मुंह बंद रखता तो मुंह से अबू बकर क्या थे उमर क्या थे कौन है आपके अबू बकर उमर बिल्ला इतनी बेअदबी इससे पहले कभी नहीं देखी गई जितनी बेअदबी आज इंजीनियर अली मिर्जा की वजह से साहबा की नौजवान कर रहे साहबा के नाम के साथ रवि अल्लाह भी नहीं लगा रहे एक मरतबा एक वीडियो में कह रहा है इंजीनियर अली मिर्जा के अमीर मुआविया के साथ हम रजी अल्लाह तला दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं क्यों भाई इतना बुक्स आपको क्यों इतना हसत क्या एक मुसलमान ऐसा हो सकता क्या नौजवान ऐसे आदमी को फॉलो कर सकते जो एक सहाबी के नाम के बारे में यह कहता हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी उनके कारनामे किताबों में मौजूद है अल्लाह पाक ने कैसा ऊंचा मकाम दिया कैसे दीनी काम लिए खुद अल्लाह के नबी नबीलाम की सोच महतरमा हजरत हबीबा महबीबा रवी अल्ला के, के भाई हैं हजूर करम सल्हम की बरदर नस्बती है लोग कहते हैं कि वह उम्मत के मामू हैं तो उम्मत के मामू मामू बल्कि ताने मारता बदबक उम्मत के मामू है बल्कि ताने मारता है तमीर माविया रवि अल्ला तन का नाम लेके और यह कहता है कि वो खुशी से इस्लाम नहीं लाए बल्कि मौत के डर से इस्लाम लाए के उस बिल्ला इंजीनियर को पता था अगर कोई मौलाना कोई बात कर दे कोई ख्वाब सुना दे अगर कोई अच्छी बात कर दे अरे इनके बाबे तो गैब की खबरें देते बल्कि इल्ज़ाम लगाने वाला ये कौन जाने दिल का हाल चौदह सौ साल पहले इंजीनियर अली मिर्जा कैसे पता चला अमीर महाविरा रवी अल्ला इस्लाम कैसे लाए हज़रत कराम नौजवान दोस्तों साथियों इस वक्त में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का फितना बड़ा ख़तरनाक फितना है हम अपने नौजवानों को इस फितने से बचाना चाहिए अल्लाह के नबी सला वसलाम के दुनिया के पर्दा फरमाने के बाद सकीफ़ बनी साइदा में हज़रत अबू बकरीक रजी अल्लाह तू को सारे मुसलमानों ने उस वक्त में हंगामी तौर पर बहुत जो हालात थे हजूर करम सेम को अभी जसद मुबारक को आपके रोज़े में मुंतकिल नहीं किया गया था, था।, था।, था। हद अबू बकर रज़ील्ला तौ को अमीर बनाया गया खलीफा बनाया गया सारी दुनिया का मुसलमान कहता है कि हमारे पहले खलीफा हज़रत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तहु हैं, लेकिन ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बदबक ये कहता है कि खली सकीफ़ बनी सायदा में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तैन को खलीफा बनाना बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उम्म की बर्बादी और खून रेजी हुई हद अबू बकर की शान में ऐसी बड़ी गुस्सा और कहता है कि अगर अबू बकर आज जिंदा होते तो खुद अपने खलीफा बनने पर खून के आंसू बहाते पूरी उम्मत उनके खलीफा बनने पर फखबा को नाश था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह पर तमाम साहबा का यह कहना था अल्लाह के नबी सलाम के बाद अगर कोई अफजल है तो वह हजरत अबू बकर है और यह बदबक कहता है हजरत अबू बकर का जो इंतजाम हुआ बड़ी गलती थी और नौजवान इसको सुन रहे नौजवान इसको फॉलो कर रहे नौजवान ऐसे बदबक को इस्लामिक स्कॉलर समझ रहे नौजवानों को अपनी इस्लाह के लिए उलमा के पास आना पड़ता को जो साहबा की शख्सियत पर उंगली उठाता है ना वो दुनिया का रहता ना दिन का रहता उसकी बर्बादी तो उसका मुकद्दर बन जाती है इसी तरीके से एक वीडियो में कहता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नबी करीम अलैहि वसल्लम के बाद बहुत से सहाबा मुर्तद हो गए थे बिल्ला क्या मतलब साहबा के बारे में ऐसे जुमले कहना कि साहबा मुर्तद हो गए थे नौजवानों का जहन क्या बन रहा साहबा भी मुर्तद हो गए थे भाई बिल्ला साहबा के मुर्तद होने का जुमला हजूर अक्रम सल वसलम कीकदस और आपकी तरबियत पर हमला है नौजिल्ला हजूर की जो हमला हो रहा कोई आम बात नहीं होती है। जुर्ग की जो हम लाए साहब कराम को मशकूक कहना सहाब कराम की शख्सियतों में उंगली उठाना साहब कराम की जत के बारे में बदगुमानियाँ पैदा करना सहाब कराम को लाकर अदालत के कठेरों में खड़ा करना तारीखी रिवायतों को बहाना बनाकर साहबा की जत पे उंगलियाँ उठाना ये साहबा से नौजवानों को रिश्ता कमजोर करने की दलील है और जो नौजवान जिस सहाबी से अगर एक सहाबी से भी बदगुमान हो गया तो यकीन जानिए उसके ईमान का वो मैार नहीं रहेगा जिसको अल्लाह कबूल कर ले मान नहीं पा सकता हो तो आज के जमाने में जरूरत है कि के राम इस मैदान में आगे आएं और नौजवान साथी आगे आएं, अपनी बिसात के मुताबिक अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी इस्तात के मुताबिक जितना हो सकता हम इस फितने को खत्म करने की कोशिश करें। यहाँ के जो है अल्ला इन अल्ला को जजाय खैर दे यहाँ के बैठने को जजाय खैर दे आने को जज़ाय खेर दे इंतज़ाम को कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ कि के ये राम अपनी तरफ से ऐसे फितनों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और नौजवान उनका साथ दें तो काम जल्दी से हो सकता काम आसानी से हो सकता बस साहब कराम का एक वाक़ा सुनाकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ हज़रत साहब कराम की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब ईरानियों के खिलाफ साहबागराम लड़ने के लिए गए थे एक लाख से जायद का लश्कर जर्रार था यरमूक की दूसरी जंग है उस मौके पर हजरत शुरबील बिन हसना रजी अल्लाह तु के चारों तरफ ऐसा मजमा था रूमियों का कि चट्टान की तरह रूमी खड़े हुए थे ऐसे मौके पे हजरत शुरबील बिन हसना रजी अल्लाह तु आगे बड़े मैदान में हाथ में तलवार सूत ली और ये फरमाया इन सराफन्ना -um के कहाँ है वो मुसलमान जिन्होंने अपनी जानों का सौदा कर दिया अल्लाह की जन्नत के बदले में ये कहते जाते और मुसलमानों को उभारते जाते मुसलमानों को उभारते जाते आज भी जरूरत है कि साहबा का वो जज्बा कि जन्नत को याद करके अपनी जान को दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए कुर्बान कर देना अगर आज हम भी अपने नौजवानों को जन्नत की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत में अपने मकसद जिंदगी को याद

फिर आप आगे सुनिए कैसे कैसे हजरत सहाबात बिन अशियम जंगजू जंगजूई में बड़े माहिर थे बड़े बेमिसाल थे इस शिद्दत से लड़ते जा रहे थे कि लड़ते लड़ते हर थोड़ी देर के बाद उनकी तलवार टूट जाती जैसे ही तलवार गिरती के कहते अरे अल्लाह के बंदो जो अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान लुटाने को तैयार है उसकी मदद करो उसको असलहा दो उसको तलवार दो एक साथी तलवार फेंकता तलवार लेकर फिर आगे बढ़ते कतल करते जाते दुश्मनों को तलवार टूटती जाती फिर तलवार मांगते तलवारें मांगते मांगते कई तलवारें मांगी आखिर में अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद शहीद हो गया आज जरूरत है उलमा को कि हम आगे बढ़ के नौजवानों से कहें दारेश्वरों से कहें आवाम से कहें कि अल्लाह के दीन के ये उलमा अपनी पूरी जान लगाकर हिफाजत दीन के लिए खड़े हैं तुम क्या करो बस उलमा का साथ उलमा का साथ उलमा की हिम्मत बनो उलमा का हौसला बनो हजरत हंसरा बिन जुमैया रजी अल्लाह अन्हु, रूमियों का एक जीरा पहलवान, एक जीरा जरा पोश पहलवान आया और मैदान में कूदा और आवाजें लगा रहा था ऐ मदीने वालों ऐश्रिफ वालों लौट जाओ वापस जाओ जंग छोड़ दो मैदान छोड़ दो ये आगे बढ़े उससे मुकाबला किया और वह ऐसा जीरा पहनाता तलवार से कहीं से भी मारते तो कुछ असर नहीं होता था फिर उन्होंने क्या किया ऐसे अपने दोनों हाथों से उसके जिसम को घट पकड़ लिया एक सबूत मिलता है कि सहाबा सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानते थे अपने जिसम को भी वो कुत बाजू को मजबूत रखते थे ऐसे पकड़ लिया फिर काफी देर कुश्ती हुई कुश्ती होने के बाद दोनों अलग अलग हो गए अब सहाबी परेशान कैसे करूं दुश्मन को कैसे जहन्नम में भेजू उन्होंने अपनी अकल लड़ाई मालूम होता है कि साहबा सिर्फ तलवार चलाना सिर्फ जिसम बनाना नहीं अकल का सही इस्तेमाल भी जानते थे उन्होंने गौर से देखा तो यहां गर्दन की तरफ में उसके नेजे के पास छोटी सी जगह इतनी थी कि जितने में सिर्फ तलवार जा सकती थी फौरन तलवार ली और उसी जगह पे इतनी ताकत से मारा कि तलवार उसके जिसम के आर पार हो गई और वह जमीन पर गिर गया और यह खुशी से उछलता हुआ आगे गया अल्लाह ने मुझे कामयाबी दे दी हजरत सईद बिन रजी अल्लाह घुटनों के बल बैठे हुए थे मैं ये बता रहा हूं हर हर साहबी जो अपने से हो सकता वो कर रहा है दीन की हिफाजत के लिए वो बैठ गए घुटनों के बल दुश्मन आया अपने फौज के साथ घोड़ों पर सवार पैदल आया है अपने हाथ में नेजे लेके बैठे हैं घुटने पे बैठे जैसे ही दुश्मन अंदर आता सामने नजर आता आंख की तरफ फेंकते और आंख को फोड़ देते एक एक आंख को फोड़ते जाते यह साहबी अपनी हैसियत के मुताबिक काम कर रहा है अब आगे देखो आप हजरतुबेर बिन आवाम रवि तुम इस शिद्दत से हमला कर रहे थे वो जोश साहबा का वो जज्बा साहबा का वो ईमानी गैरत साहबा की अगर उसकी एक श्रृंगारी आज मुझ जैसे गुनहगार में आ जाए यकीन जानिए वक्त का बातिल हमारे सामने खड़े होने से थर्राएगा उधर से मैदान जंग शुरू है वहां से मैदान की सफे बंदी है तलवार लेकर दुश्मनों को तीरते हुए वहां तक चले गए फिर वहां से तलवार ले दुश्मनों को चीरते हुए वहां तक चले गए दुश्मन परेशान है यह कैसा जंगजू है दुश्मनों की परवाह नहीं करता तलवार चलाते जाते थे इतने बहादुर इतने बहादुर जो सामने आता दुश्मन वो जहन्नम में चले जाता ये बिन अवाम थे। ऐसी लड़ाई थी। थे बिन कैस एक दुश्मन ने ऐसे हमला किया तलवार लगी और पैर उनके जिसम से निकल के जमीन पर गिर गया लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ पैर के निकलने का लड़ रहे लड़ रहे काफी देर के बाद दर्द महसूस हुआ तो देखा तो पैर नहीं पैर ढूंढने के लिए निकले मैदान जंग में साथी ने पैर तलाश करके दिया तो उस वक्त साथ में पैर मिला ये थे वो साहब क्राम फिर इन सारे साहब क्राम में वो खालिद बिन वलीद रवि अल्लाह पाक ने अखिलास की वह दौलत अता फरमारी थी अगर आज हम में अगर आज नबी के उम्मती में अगर आज एक मुसलमान में वो अखलास पैदा हो जाए कि मैं नबी के लिए करूँगा कोई कुछ भी कहे मुझे कुछ मतलब नहीं मेरे काम करने का मकसद मेरे आका को खुश करना है जिस वक़्त में पहली मरतबा मोता की जंग हुई थी अल्लाह के नबी शाह तीन साहबा

यक़ीन जानो मेरे साथियों दो लाख का मजमा था दो लाख का मज़मा अल्लाह के नबी सलाम मदीने में बैठ के साहबा को खबरें दे रहे थे मेरे 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 अब अब बिन रवाहा शहीद शहीद हो गए। ए मेरे सहाबा, और शहीद हो गए गए हज़रत 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 के भाई ज़ाफ़र वो और निकलता है ए मेरे सहाबा, अब है, वो इस्लाम की तलवार बनेगा अल्लाह उसके हाथों में कबूलियत देगा इस्लाम का झंडा लहराएगा रियाज अहमद गोहर शाही फैया इंजीनियर अली मिर्जा जाविद अहमद गांधी हमारे मुकाबले में कम है हम कसरत को कभी नहीं देखते जरूरत है अखलास को बढ़ाने की अल्लाह के लिए कर रहा एक लाख का लश्कर ये रूमियों की दूसरी जंग हजरत खालिद बिन आकर देखे लड़ते लड़ते शाम होने को आई सब परेशान फतेह कब होगी फतेह कब होगी खालिद बिन वली रजियाल फरमाते हैं मुझे लगने लगा अब इनका जोर टूट चुका है एक हजार अपने साथियों को घोड़े पर सवार सबको एक जगह खड़ा किया सामने एक लाख एक लाख घोड़सवार है एक हज़ार और एक लाख दोनों में कोई मुकाबला नहीं बनता खालिद बिन वलीद रज़ी ने फरमाया ऐ मेरे साथियों अल्लाह पर भरोसा करो जंग की कामयाबी हमारा मुकद्र होगी अल्लाह हमारी मदद करेगा ये यकीन अगर आज हमको हो जाए कि मैं इस एडिटोरीम में बैठा हुआ हूँ लेकिन अगर आज मैं शकील बिन हनीफ़ के ख़िलाफ़ अगर आज इंजीनियर अली मिर्ज़ा के खिलाफ अगर जार गोहर शाही के ख़ातिमे के लिए अगर आज जाविद अहमद गांधी के ख़ातिमे के लिए मैं खड़ा हो जाऊँ मेरी ज़ात से जो हो सकता है अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी इन यकीन की जरूरत है, है खालिद बिन वलीद ने फरमाया आगे बढ़ो एक हजार का लश्कर गया जाने के बाद में मुकाबला किया एक लाख से ज्यादा काफिर कत्ल हो गए मुसलमानों में सिर्फ तीस मुसलमान शहीद हुए यह साहब कराम की कुर्बानियों का चंद चंदरा मैंने क्यों सुनाया हर सहाबी अपनी तरफ से जो हो सकता वो किया आज जरूरत है मेरे से क्या हो सकता मैं पैसा लगा सकता हूं पैसा लगाऊंगा मैं जान दे सकता हूं जान दूंगा मैं वक्त दे सकता हूं मैं वक्त दूंगा मैं उलमा का साथ दे सकता हूं मैं उलम का साथ दूंगा मेरी जात से जो होगा अगर मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा जैसे हमारे अकाबरीन में से हजरत मोहर सुनना रमतल फरमाया करते थे अगर चार आदमी जनाजा लेकर जा रहे हो तो बेचारे चार है पांचवा अगर आ गया खुश अल्लाह का शुक्र है और एक आ गया ताकि चार को मुसीबत कम हुई वजन उठाने की पांचवा आया खुश हो गए छठवा और खुश हो गए और चार जो काम कर सकते थे आठ आद आदमी पर वजन कम पड़ता आज अगर दिन के मैदान में उलमा आ रहे हैं आने दीजिए सारे मिलकर करेंगे काम बटेगा काम हल्का होगा काम आसान होगा मैं यह सोचना चाहता हूं मेरे मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं मैं नाम के लिए नहीं मैं नहीं मैं जमीन के लिए नहीं जायदाद के लिए नहीं नहीं किसी भी तारीफ तारीफ के लिए नहीं। मेरी तारीफ तो मैं मैं अल्लाह से सुनना चाहता अगर पैदा कर लूंगा अल्लाह जरूर मुझसे राजी होंगे कुछ बातें अगर मकाम और मरतबे के लिहाज से आगे पिछले बोल चुका हूँ तो माजिरत चाहता हूँ अल्लाह तिम्मेदारों को जजायर देमा को जजाय कैर दे अल्लाह तजलिस को बेपना कबुल फरमाए आमी वाखिर माशा बहुत प्यारे अंदाज में मौलाना अब्दुल कवी, उमर हुसामी साहब ने अपने पर गुफगू की है इन सुबह से जारी अब तक के इस पूरे प्रोग्राम का ख़ुलासा बाद नमाज मग़रब इसी हाल में पेश होगा इसलिए जो अहबाब यहाँ आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वह अपने साथ मज़ीद एक आदमी दस दस को लाने की कोशिश करें। चूँकि सुबह से आप फिक्र कर रहे हैं और आपकी फ़िक्र के नतीजे में लोग बढ़ गए यहाँ भी बड़े हुए नज़र आए और दस्तरखान पर भी बड़े हुए नज़र आए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज अपने बरसों से जारी कीलुल्ला की कुर्बानी दी उम्मीद है कि खेल की कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह नतीजा भी हमको अता करेगा इस प्रोग्राम के बाद हजरत मुफ्ती मोजुद्दीन साहब कासमिया मेरे शरीयत की इजाज़त से आ, मस्जिदवार जमात के ज़िम्मेदारों को जोड़ कर एक जोड़ इनशाला लिया जाएगा ताकि मस्बत अंदाज में जैसे हज़रत मौलाना ने फरमाया कि ख़राब होने को ख़राब होने वाले को ख़राब होने से पहले बेहतर बना देना यह हम सब के लिए पहली ज़िम्मेदारी है और उस समत में हम सब मिलकर इन काम करेंगे आपसे हमने एक बात बताई थी कि अपने बाज़ू वाले से आप शनासा है या नहीं मालूम कर लें तो सब ने मालूम करें कि नहीं ऐसा तो कोई आदमी आपके बाजू में बैठा हुआ तो नहीं है जो अजनबी है आपके लिए हम नहीं पहचानते और हमारी महफिल में मौजूद है तो सब अगल बगल वाले का थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि कौन आपके बाज़ू बैठा हुआ है हॉस्टल में मौजूद तलबा का इन जोड़ लिया जाएगा तमाम हॉस्टल के तलबा के लिए सहरी का इंतज़ाम करने की भी कोशिश करेंगे और ये सब हमको करना है आप ये बोलेंगे वो ऐलान हो रहा बोले थे कहाँ करे हमको मिलकर करना है जैसे मौलाना ने कहा कि मुझे बुलाया ही नहीं मुझे फ़ोन आया ही नहीं मेरे को तो कुछ जिम्मेदार बनाए ही नहीं आप हम सब मिलकर रफ्त करेंगे कि वो मुझे करना है कब करना है बताइए हम सब का ये नारा हो तमाम मसाजिद के अइमा को जोड़कर हर नमाज के बाद सही अकायद की मुख्तसर वजाहत की एक तरतीब इन बनाई जाएगी रमज़ान में पूरे मराठवाड़े में या रमज़ान के बाद पूरे मराठवाड़े को टारगेट करके इनशाला ख़त्म नबोत कोइज़ का इनशाला नज़म किया जाएगा और भी एक निज़ाम हैदराबाद जाकर अमीर शरीत मोला अद्दुलशक्कूर साहब नायब अमीर शरीत इन सब ने इन सब की तकारीर को सुनकर इस ख्याल का इजहार किया कि इन शाला एक वफ़द जाकर हैदराबाद दो दिन वहाँ क़ियाम करके पूरे काम को देख कर आकर दोबारा यहाँ उस काम को बेहतर अंदाज़ में करने की इना कोशिश करेंगे आप सबसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ आए हैं ये काम सिर्फ़ इमारत शरिया का या हमारा नहीं हम सब का है इसलिए हम सब जब भी इस उन्मान को देखें तो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के सारे कामों को कुर्बान करके रिसालत और नबूवत पर कुर्बान होने के लिए दौड़े चले आएँ और न सिर्फ अकेले आएँ बल्कि सबको अपने साथ ले आएँ जितने आइमा कराम हैं उनसे दरख्वास्त है कि बड़े दर्द के साथ जैसे हजरत मौलाना साहब ने जिस दर्द के साथ बयान किया है जितने आइम्मा हैं वो इसी दर्द के साथ आज मस्जिद में ऐलान करें कि मगरब में हमको जरूर पहुंचना है कौन कौन करेंगे इनशा हजरत अमीर शरीयत, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोयजुद्दीन साहब से दरख्वास्त है कि दुआ फर्माए सदर मोहतरम से दरखास्त है कि वह अपनी दुआ पर इस नशे का अख्ताम फ़रमाएँ सुहा सुहा सुबह वीमद रब नवाज़ तैयार <गण्णारी> है कि रू से काफिर है उसके मुसलमान होने में मुसलमान न होने में कोई शक व शबा हमको नहीं है इसलिए एक एक मिनट की बात पेश करेंगे उसके बाद इन हमारे मगरिब के बाद की आज की नशिश के सदर मोहरम और अब इस वक्त की भी नशे के सदर मोहरम हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मफताही फैसला सुनाएंगे और इसीलिए इतमान कल्ब के लिए ये नशि रखी गई थी मैं मुफ्ती इमरान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और एक दो मिनट में अपना ख्याल पेश करें असल वरम्बरक मोज़ज़़ज़ज़लमा कराम और मुफ् नेज़ाम क़ुरान पाक के अंदर तकरीबन ख़त्म नबूत के तल्ल से चालीस आयतें बिल्कुल वजाहत और सराहत के साथ में हैं दस आयतें तो बिल्कुल मशहूर है और हर एक की ज़ुबान पर है जिसमें से एक आयत है माकान महमदन अबा आहद्म मर रिजाकुम वलॉिर रसूल अल्लाव व ख़ाता नबीन इस आयत शरीफ़ा में ख़ुद अल्लाह के नबी आ सलातम को खान्नबी वजाहत के साथ में बतला दिया गया और कतई से कतई से हमारे सामने ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह के नबी सला सलाम खातबी है और इसके अलावा भी तकरीबन और उनचालीस आयात कुरानी के ज़रिए से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी आ सलात साम हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं और इसके अलावा सैकड़ों हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी आल सलामाम की ख़म नबूत साबित होती है सैकड़ों हदीसों से इसलिए हम तमाम कराम को और मुफ्तिया नज़ाम को और ख़ास तौर से मसाजिद के अम कराम को अपने मस्जिद के मंबर और महराब से इन आयतों को जमा करके और इन अहादीस को जमा करके किताबों के हवाले के साथ कुरान पाक की सूरतों के साथ आयतों के नंबर के साथ में और पारा नंबर के साथ में क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि हम जब बयान करते हैं या हमारे मस्जिद व से बयान होते हैं तो हम सिर्फ़ अपना इल्म और अपने मुताले का निचोड़ पेश करते हैं जिससे सामईन हमारे एहतराम में उस बात को सुनते तो हैं लेकिन वो ख़ुद मतज्ज़ब रहते हैं तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं लिहाजा अब ऐसे हालात में और इन हालात में ऐसे वक्त में जबकि फितने शकील इब्ने हनीफ इस कदर पूरे हमारे मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी बढ़ता जा रहा है अब उलमाय कराम को चाहिए कि वो ये दो कामों का बेड़ा उठाए एक सोशल मीडिया के ऊपर क्राम एक्टिव हो और ख़ास तौर से वो क्राम जिनके अंदर बोलने की सलाहियत है तहक़ीक और रिसर्च का जज्बा है आयत कुरानी को वो तलाश करते हो कोट करके बताने की उनके अंदर अपने माफी ज़मीर को अदा करने की अच्छे से इनके अंदर सलाहियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने तकरीर का फ़न और मलका दिया है ख़ास तौर से हमारे मगरिब की नमाज के बाद के सदर जलसा से ये हमारी दरख्वा और गुजारिश है कि हज़रत अपनी रहनुमाई के अंदर उलमाए कराम के साथ में सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म मजबूत बनाएं। अभी फ़त्न मिर्जा अली इंजीनियर का यहाँ तस्करा हुआ असर की नमाज़ से पहले तो एक मेरी मुख्तसर सी तहक़ीक और रिसर्च के मुताबिक यूट्यूब के ऊपर उसके जो चेले हैं तो इन्होंने तकरीबन पंद्रह से सोलह अकाउंट्स यूट्यूब पर बनाए हुए हैं जिनमें मौलाना इसके तकरीबन डेढ़ सौ करोड़ वीअर्स है डेढ़ सौ करोड़ वीअर्स है और बीस से पच्चीस मिलियन इसके फॉलो इसके फॉलोअर्स है जिन्होंने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है यानी जब यह कोई वीडियो अपलोड करेगा डालेगा तो इन बीस से पच्चीस लाख लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और लोग इतने दीवाने हैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर के कि वो ये समझते हैं कि कुरान को अगर किसी ने समझा है और अगर हदीस को किसी ने समझा है और अगर कोई कुरान और हदीस की बातें सही बता रहा है तो वो मिर्ज़ा अली इंजीनियर है और क्राम क्या है तो इससे पहले जो पूरी बातें आई कि कराम के ताल्लुक से अवामाननास और लोगों के जहनों में सिर्फ ये बातें बनी बैठी है कि बस ये सब अपने अपने एतबार से इबादत के मसाइल बताते हैं मुआशरत की चीज़ें बताते हैं और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जन्नत जहन्नम की बस इसके अलावा औरलमा को दूसरा कोई काम नहीं है ये एक नज़रिया लोगों के अंदर सोशल मीडिया के ज़माने में फैलता जा रहा है इसलिए वक्त की अहम ज़रूरत है कि एक काम कराम सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया डेस्क के तौर पर इस तरीक़े से आए और दूसरा ये है कि अपने मेंबरों में से दलाइल के साथ में कुरान पाक की आयत को कोट करके हदीसों को कोट करके और साहब कराम की ज़िंदगी को सामने रख कर के इन्होंने कैसे खत्म नबूत पर काम किया ये काम करने की ज़रूरत है अल्लाह ताल हम तमाम को अमल की तोफ़ी गाँ फरमायानी शकील इबन हनीफ़ के बारे में, में चूँकि मैं ख़ुद पड़ेगा के अंदर पाँच साल इमामत कर चुका हूँ और वहाँ कुछ ऐसे नौजवान जो उससे मुतासर थे इनमें एक दिल्ली का एक नौजवान था जी शकील इब्ने हनीफ़ के बारे में ये है कि शकील इब्ने हनीफ कतई की वजह से ये सारी आयत की वजह से ये बिल्कुल काफिर है और इस्लाम से खारिज है मुफ्ती शकील साहब से दरखास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी राय पेश करें और कोई है मौलाना अजीम मुफ्ती अजीम साहब अब सदर मोहतरम से दरखास्त है कि वह अपना फ़ैसला सुना दें बसमी अल्हमदिल्ल गफ़ा वसलामीफ़ाबा फ़ौज़बिल्मिन बसमरमा रहीम माकान महमदन अबालला रसूल ख़ातमनबी वक़ानल्लबिकीन आलिमा वाल नबी वम अन् ख़ातमनबीला नबी अबाद सैख रुजुमिन उम्मी व सैख़्र जुमिन उम्मती सलासून कद्दाबून कुल्लुहम यज़ आम अनु नबीन व अन ख़ातमनबी ला नबी अबाद हमारे मौख़र और मोहतरम मफ्तीन किराम मफ्तीसरहन साहब ने इससे पहले भी इन चीज़ों के लिए कोशिश की थी लेकिन आज तमाम ने मिलकर ये बहुत बड़ा उम्मत के ऊपर एहसान किया कि हम लोगों पर दस साल तक वो, वो खजिए में हमारे नौजवान जो तो अदालत आते जाते रहे लेकिन इस वक़्त सिर्फ मुख्तसर ये अर्ज करना है कि शकील बिन हनीफ़ मुतफ़ा तौर पर उलमाए हक़ और मुफ्तीन कराम ने बहुत ही गौर खौस करके नस कताई से साबित किया कि ये इस्लाम से बाहर है इस्लाम से ख़ारिज हो गया है और ये गुमराह है और गुमराह कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है उसको कुछ शैतानी कुछ ताकतें क़वतें दी जा रही है और कुछ वो ममालिक जो इस्लाम के दुश्मन है उसका बाजाबता हर तरह से उसका सपोर्ट कर रहे हैं और उनको आपको बदनाम करने के लिए दूसरे कामों के लिए भी तैयार किया गया है कि मिसाल के तौर पर जैसे हम टोपी पहनते हैं हम कपड़े पहनते हैं वो भी पहनते हैं और जनाब अचानक कहीं देश में धमाका हो गया किससे करवाया जाता है ये समझने की कोशिश कर। वो फ़ोटो लेने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं और पूरी दुनिया में क्या उसका वो करते हैं कि ये कौन कर रहा है मुसलमान कर रहे हैं तो वो उम्मत के हर लिए हर एतबार से नुक़सानद हैं उसके लिए फ़ितन बहुत सख्ती से हमारेमा को मुफ्तीने के नाम को जमना होगा मैं मौलाना मुफ्ती हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई रहमत की खिदमत में छत्ता की मस्जिद में उनका क़्याम होता था वो हज़रत शेख मौलाना जकरिया साहब के खलीफा हैं और मुझे भी हज़रत हदीस से मुसलसल इकहत्तर में पढ़ने की शहादत मिली तो मैं मुझे उन्होंने वक्त दिया कि आपको कोई वक्त नहीं ईशा के बाद कितनी भी देर मेरे पास बैठ सकते तो मैंने ये तमाम उस वक़्त जो फितने थे तो हज़रत मुनाजरे के लिए जाते थे क़ारी तैयब साहब रहा हज़रत मुफ्ती महमूदा हसन साहब रहमत ला तो मैंने पूछा कि हज़रत ये इससे क्या फ़ायदा है ये इनके ख़िलाफ़ बोलने से क्या फ़ायदा है तो बड़ा अच्छा जवाब दिया फरमाया कि सांप को मारने से क्या फ़ायदा है भाई सांप के नुकसान से बचाना है और इसी तरह इन फ़िरकों को फ़िरकों का मुकाबला करके उनको जो है तो बातिल साबित करके अपनी उम्मत का ईमान बचाना है तो शकील इब्ने हनीफ के बारे में जो तफसीलात सुबह से आई है और जो हमारे मुफ्तीान किराम ने फ़ैसला दिया है नस्त से कुरान करीम से और शरीफा से वो इस्लाम से ख़ारिज है और उसका वो किसी शैतानी ताकत का एजेंट है और उसको बाजाबता इस पूरी मशनरी के लिए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शैतानों ने मदद की है अल्लाह जाला उस फितने से हम सब की हिफाज़त करे और कराम की जैसी ज़िम्मेदारी है कि जैसे वो साल भर में दो चार जुमे ऐसे रखें कि उसमें एक जुमा ख़त्म नबूवत पर बोलें महीने दो महीने के बाद क्योंकि जुमा की नमाज़ के ख़ुतबों का मैं पचास साल से तजुर्बा कर रहा हूँ उसका बड़ा असर होता है इस आप जुमा में बोलिए तो जुमा में वीडियो देखने वाले भी आते हैं नई आत्मा ने और सोशल मीडिया को भी मत छोड़िए जैसे मौलाना सलमान हुसैनी नदवी मुदज़िल आली ने मुझसे मैंने उनसे सवाल किया कि आप जो है आज से पच्चीस साल पहले उनसे पूछा था जब हम भटकल गए कि भाई आप सोशल मीडिया के पीछे इतना क्यों पड़े हैं अभी लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं तो मौलाना ने कहा था कि एक ज़माना आएगा कि जो सोशल मीडिया में देखेंगे वही करेंगे अब लोग लाइब्रेरी नहीं जा रहे लोग किताबें नहीं पढ़ रहे बस वो मोबाइल खोल कर सोशल मीडिया से मुतासर होते चले जा रहे हैं इसलिए मुफ्ती इमरान साहब ने जो कहा वो बात ज़रूरी है कि हम जो उस नाहिए से भी उस महाज पर भी हम काम करें और मैं मुफ्ती अनीसरहमान साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आपसे कुछ बात करने का मौका दिया मुसलसल अस्फार की वजह से जब पूरा साना जलसों में आपके गुजरात में जाना हुआ तो वहाँ ज़्यादा तबीयत वो हो गई और मुसलसल सफ़र से अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आप सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए और इस काम के लिए आखिरी सांस तक इंदीन की हिफाजत के लिए कबूल फ़रमाए मौलाना अनीसरहमान साहब की और उनके रफ़ा की कोशिशों को की कबूल फ़रमाए आमीन वाखिरदा सल सदिन मौलाना महमदम वाल आल सदिन मौलाना महमदम बारिक वसलम रबना आतना फ़िलिया हसनत फ़िल आख़रत हसनकना अदाबनार

कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उमरा और दीगर मुकदस मुकाम की जियारत का भरोसेमंद मरकज हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हज़रत स्क्रीन पर दिए गए नंबरात आरोप कॉल करें